नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज आपके समक्ष राग चारुकेशी पर आधारित कल्याण जी आनंद जी साहब की अविस्मरणीय रचनाएं। जी हां दोस्तों, दो आज मैंने पैमाने रखे हैं। एक तो राग चारुकेशी पर आधारित मैं गाने शेयर करूंगा और कल्याण जी आनंद जी साहब की ही रचना इस राग में मैं शेयर करने वाला हूं। यूट्यूब पर कोई ये लेक्चर नहीं मिलेगा दोस्तों, तो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें मैंने बहुत रिसर्च करने का एक प्रयास किया है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राग चारुकेशी का प्रयोग कल्याण जी आनंद जी साहब ने किस प्रकार किया वो आज मैं शेयर करूँगा। एज ऑन 21st डेथ एनिवर्सरी ऑफ कल्याण जी वीर जी शाह साहब, लेक्चर मैं 24 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन 25 अगस्त को आपको ये देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो कल्याण जी साहब को श्रद्धा सुमन मैं ये लेक्चर ट्रिब्यूट कर रहा हूं और आपके लिए बहुत ही एक नॉलेजफुल लेक्चर इसलिए होने वाला दोस्तों, क्योंकि ये साउथ इंडियन राग चारुकेशी कल्याण जी आनंद जी साहब ने सबसे बेस्ट यूज़ किए वो आपको कंपोजिशन से ही पता चलेगा। रफ़ी साहब हों, चाहे मुकेश जी हों, लता जी हों, सभी को इस राग में इन्होंने गवाया है और सुरेश वाडेकर साहब जी को भी बहुत बखूब गवाया है इस राग में। तो सबसे पहली रचना मैं लेके चल रहा हूँ आपको, 1967 में एक मूवी थी दोस्तों राज। अब राज मूवी में वो गाना आपके जहन में आज भी रहता है दोस्तों, कौन सा? नीरे निदापा, अकेले हैं चले आओ, ताल दादरा पर ये आधारित है दोस्तों। मैं कंपोजिशन से पहले आपको इस राग का सिर्फ आरो अवरो बताऊंगा, ज़्यादा राग की गहराई में मैं दोस्तों जाऊंगा नहीं, क्योंकि सॉन्ग्स बेस्ड ऑन चारुकेशी उस पर हम आज विवेचन करेंगे दोस्तों। तो सा रे ग म प ध नि सा, सा नि द प म ग रे सा। इस राग में दो स्वर विकृत हैं दोस्तों, ध और नी, ठीक है दोस्तों। बिलावल में अगर ध और नी कोमल कर दूं तो इस राग के हमें स्वर मिलते हैं दोस्तों। ऐसा कोई भी थाट नहीं है दोस्तों कि जिस थाट में ध और नी कोमल हो, इस कारण से ये साउथ इंडियन राग है दोस्तों। सिर्फ ये बेस हमको पता होना चाहिए, वादी मध्यम है, संवादी षडज है, क्योंकि सातों स्वर लग रहे हैं दोस्तों, तो संपूर्ण जाति का ये राग है। एक बार वापस देख लीजिए, सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। ये फील है इस राग का दोस्तों, पैथोस की फीलिंग अगर किसी भी कंपोजर ने दिखाई है तो इसी राग का सहारा लिया है। लेके चलता हूँ राज मूवी में, अकेले हैं चले आओ, पहली कंपोजिशन कल्याण जी आनंद जी साहब ने, देखिए इस राग का क्या प्रयोग किया है। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। अब आप देखिए, मैं सिर्फ इसकी स्वर मालिका आपको गा के बताता हूँ, प्योर चारुकेशी का प्रयोग, एक भी विवादी स्वर का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं शुद्ध राग में कंपोज करना। कल्याण जी आनंद जी साहब के श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूँ आपको नॉलेज देने के साथ साथ। ग ग म प म ग, ग ग म प म ग, म द प ध प द, ग ग म प म ग, ग ग म प म ग, म ध प, सा सा रे रे ग रे रे सा नि ध प ध ध द प ध प म प ध प नि प म ग, ग ग म प म ग, ग ग म प म ग, म ध प। अंतरा देख लीजिए दोस्तों, पूरी चारुकेशी की आत्मा आपको झलकती हुई दिखाई देगी। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढ
लगता है। नाव मंजिल है कोई न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहां हो। अब आप देखिए पूरी चारों केशी शुद्ध रूप में सा सा नी नी सा नी सा 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 नी ध प म प ध म नी ध ध और नी कोमल है, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। ये तो बिगनर भी समझ सकते हैं हम। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा में सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। सिर्फ धैवत और निषाद को दोस्तों उतारना ही तो है और ये राग चारुकेशी हमको मिल जाते। अब आप आगे देखिए कंपोजिशन की ब्यूटी। नाब मंजिल है कोई ध ध नी सा गा गा रे मा गा सा नी ध प म प म ग ग ग ग म प म ग ग ग म प म ग म द प द म प। तो ये पहली रचना चारुकेशी में कल्याण जी आनंद जी साहब की रचना। दूसरी रचना लेके चल रहा हूँ 1967 से 1968 में। दोस्तों एक मूवी आई थी हसीना मान जाएगी। एक साल बाद देखिए चारुकेशी का प्रयोग कल्याण जी आनंद जी साहब। कौन सी दोस्तों, आप पहचान गए होंगे, बेखुदी में सनम। ताल कैरवा है दोस्तों। 1967 में राज थी, 68 में हसीना मान जाएगी आई थी। इसमें भी कल्याण जी आनंद जी साहब का ही म्यूजिक था और इस राग का प्रयोग देखिए इस गाने में कितना बखूबी किया है। हम आज भी इस ड्यूएट सॉन्ग को कभी भी नहीं भूलते। जब भी हम कल्याण जी साहब को याद करते हैं या फिर हम रफ़ी साहब को याद करते हैं तो देखिए। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए आ गए आ गए पास हम आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। अब आ, 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 आ ये जो आलाप लिया लता जी बिल्कुल चारुकेशी में रहकर ही किया। नी ध नी प आ बेखुदी। अब गामा निधा कर्ण बीज लग रहा है धैवत पे, वो निषाद का लग रहा है। कर्ण स्वर पे मैंने आपको लेक्चर दे रखा है, ध्यान से देख लीजिएगा कर्ण स्वर क्या होता है, कैसे इसका रियाज करना है, टेक्निक शेयर की है जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब गा म नि ध प म प गा म ध प म प प ध नी 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 ध म प रे ग म ग म ग रे स स रे ग म ग म ग रे स स गा म ध प म प। अंतरा आप देखें तो अंतरे में भी हमें चारुकेशी जी आनंद जी साहब। तीसरी रचना की तरफ लेके चल रहा हूँ दोस्तों 68 के बाद 1970 में आपको लेके चल रहा हूँ। टाइटल ट्रैक मेरे हम सफ़र मूवी आई थी दोस्तों। ताल रूपक में चारुकेशी को किस तरह पिरोया गया है आपके समक्ष पेशे खिदमत कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, कई लोग पहचान भी गए होंगे जैसे ही मैंने मेरे हम सफ़र मूवी का जिक्र किया। किसी राह में किसी मोड़ पर किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल ना देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर। 27 अगस्त को मुकेश जी की भी बरसी है। किन किन को मुकेश जी के राग बेस्ड सॉन्ग्स पर लेक्चर चाहिए मुझे कमेंट करके बताएं, वो भी मैं प्रस्तुत कर दूंगा। मुकेश जी ने ये गाया है और लता जी ने क्या बखूबी साथ निभाया है। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल ना देना तू छोड़ कर मेरे हम ज्यादा बोल रहा हूँ।
वो लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन मेरा जो मकसद रहता है ज़्यादा बोलने का, आपकी समझ को बढ़ाना, अच्छे संगीत को समझना और उसकी कदर करना और उसका रियाज करना। देखिए, नी 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 ध पापा मा मा ध ध नी ध पापा सा रे गा गा मा मा ध ध नी ध पापा सा रे गा गा मा मा ध ध नी ध पापा मा मा पा ध नी ध पापा पा मा 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 पा ध नी ध पापा सा 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 नी 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 ध पा मा मा पा ध पा मा मा पा ग रे सा रे 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 ग प ग रे सा 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 नी रे 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 ग प ग रे सा 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 रूपक ताल तिन तिन ना धी ना धी ना तिन तिन ना धी ना धी ना सम। इस पे भी मैंने दोस्तों रियाज का मटेरियल आपके लिए शेयर किया। इस ताल को समझने के लिए, इसमें रियाज करने के लिए ये लेक्चर जरूर देखिएगा दोस्तों, रूपक के अलंकार। चलिए चौथी रचना की तरफ आपको लेके चलता हूँ। यही कंपोजर हैं और यही राग है, लेकिन 1986 में ईमानदार का साथ है। देखिए, ईमानदार मूवी में सुरेश वाडकर साहब को और आशा भोसले जी को ये रचना गवाई थी कल्याण जी आनंद जी साहब ने इसी राग में। देखिए, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। मैंने लेक्चर के लिए दोस्तों जो पिच रखा है वो सी शार्प रखा है, इसलिए हो सकता है इस गाने के लिए मुझे ये पिच नीचे पड़ जाए, लेकिन आपको नॉलेज पूरी मिल रही होगी और एक यूनिफॉर्मिटी का आपको एहसास हो रहा होगा दोस्तों। तो देखिए, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। पा ध पा पा गर सा पा ध पा मा मा गर सा सा रे गर गर सा नी ध नी सा सा सारे गरे गरे सनी धनी सा सा। देख लीजिए, ताल कैरवा है, ईमानदार मूवी है 1986, सेम कंपोजर सेम राग। यही तो मेरा रिसर्च है और यही तो मेरा मेहनत का एक मेरा प्रयास है दोस्तों कि आपके समक्ष कल्याण जी आनंद जी साहब ने कितना बखूबी इस राग का प्रयोग किया है वो प्रेजेंट करना। आप देखिए अंतरा, प्यार के अफसाने सुने थे लोगों ने, प्यार क्या होता है ये तूने समझाया, मिला दिल तुझसे तो ख्वाब देखे ऐसे, जुनू जाने कैसा जवां दिल पे छाया, दिल में ऐसा दर्द उठा दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना, दीवाने ने इस दुनिया में दर्द का नाम दबा रखा है, दर्द का नाम दबा रखा है। सोसी, इन गानों को हम कभी भूल नहीं सकते दोस्तों। और आपको और कौन से गाने चारुकेशी में याद आ रहे हैं कल्याण जी आनंद जी साहब के, कमेंट करके बताएं, या फिर कोई आपका फेवरेट गाना मेरा तो जो भी कदम है, या फिर मैं बात करूं मदन मोहन साहब की जो हमने दास्ता अपनी सुनाई, या फिर आपके अंदर मैं पेट्रियोटिक का जुनून भरने का प्रयास करूं, धरती सुनहरी अंबर नीला हो, या फिर मॉडर्नाइजेशन में आ पाए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई। ये गाने आपको अच्छे क्यों लग रहे हैं, इस अलौकिक शक्ति चारुकेशी के कारण दोस्तों।
राग संगीत की कदर करें, इस पे भरोसा रखें, इस पर ही रियाज करें तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। संगीत का आनंद दोस्तों राग संगीत में है। मेरा यही प्रयास रहता है कि बॉलीवुड से राग संगीत को मैं लिंक करूं, ताकि आपका बॉलीवुड से आपका इंटरेस्ट भी रहे और राग संगीत के तत्व भी आप सरलता से सीख पाएं। आपकी संगीतमय सेवा में ऐसे ही आता रहूँगा। ओम शांति। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।